Dear students, today I will teach you tournament. Yesterday I will already teach you a meaning and object of planning and various components and its responsibility. ये दोनों point मैंने पहले आपको समझा दिया. आज हम लोग tournament पे discuss करेंगे. What is tournament and importance of tournaments and types of tournament. इन तीनों points पे आज हम discuss करेंगे. तो व्हाट इज़ टूर्नामेंट्स. प्लेयर्स एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ आर इन फैशन फ्रॉम एंशियंट टाइम. फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती थी वो एंशियंट टाइम में एक फैशन मानी जाती थी. उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था. पहले के लोग क्या करते थे, फिजिकली फिट होते थे, जिससे कि वो फिजिकली फिट होते थे तो वो और उनका ये मानना था कि अगर हम फिजिकली फिट होंगे तो हम अच्छे से हर चीज़ को विन कर पाएंगे. और उस समय पे कोई भी चीज़ पाने के लिए, खाने के लिए या कोई भी चीज़ को डेवलप करने के लिए फिजिकली फिट होना पड़ता था, क्योंकि लोग लड़ाई करके ही हर चीज़ को हासिल करते थे. ऑन दैट टाइम नो रूल्स एंड रेगुलेशन. फिजिकली स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता था. लोग मार के और किसी भी अपने एफर्ट्स को लगा के चीज़ों को हासिल करते थे. तो इसमें लॉसेस होते थे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता था, कोई डिसिप्लिन नहीं होता था. तो इस तरीके से फिजिकल एजुकेशन, बट वो फिजिकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि उनका ये सोच था कि अगर हम फिट रहेंगे तो हम हर चीज़ को, हर काम को आसानी से कर सकेंगे. स्लोली स्लोली क्या हुआ, एज़ द टाइम पास द चेंज वेयर मेड टू ऑर्गेनाइज द कॉम्पटिशन ऑफ स्पोर्ट्स. क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो लोगों ने क्या किया, फिजिकल एजुकेशन को सेकंड वैल्यू दिया और फर्स्ट वैल्यू क्या किया, अर्निंग मनी, मनी कमाने के लिए बिजनेस कैसे करना है और सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया. लेकिन स्पोर्ट्स को कम ध्यान देने लगे, जिससे कि वो उनके अंदर डिफॉर्मिटीज आने लगी और वो वीक होने लगे. लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि स्पोर्ट्स को जब लोग अवेयर होने लगे तो वो लोग, उन लोगों ने स्पोर्ट्स को वैल्यू देना चालू किया. और जब वैल्यू देना चालू किया तो उन्होंने एक स्पोर्ट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया. जैसे ओलंपिक का जब ऑर्गेनाइज हुआ तो इसमें बड़ी मास लेवल पे, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे लोग पार्टिसिपेट करने लगे. तो जब बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने लगे तो इसके लिए इन्होंने टूर्नामेंट्स लाए. टीमों को डिवाइड किया गया, लोगों को डिवाइड किया गया, एक एक ग्रुप बनाया गया और दो एक एक ग्रुप को आपस में खिलाया गया. तो इससे क्या हुआ, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन हुए और इसको एक स्किल्स परफॉर्मेंस हुए. कुछ रिस्ट्रिक्शन इसमें डाले गए, एक टाइम पीरियड डाला गया कि इस टाइम पीरियड के अंदर इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप इसको पार्टिसिपेट करेंगे. तो इस जब दो से अधिक टीम और का आपस में मैच होता है, आपस में खेलती हैं, उसको हम टूर्नामेंट कहते हैं. अब आपको टूर्नामेंट समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स. इम्पोर्टेंस ऑफ क्या इम्पोर्टेंस है टूर्नामेंट्स की. तो टूर्नामेंट्स की इम्पोर्टेंस जो होती है वो ये है कि हम इसमें कई चीज़ें सीखते हैं और हम अपने आप में तो सीखते हैं, अपने कोच की भी जो भी स्किल्स है उसको हम सीख के परफॉर्म करते हैं, सोसाइटी को भी कुछ मैसेज देते हैं, हम डिसिप्लिन अपने अंदर लाते हैं, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन को डेवलप करते हैं. तो ये काफ़ी चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट की इम्पोर्टेंस हैं. पहला इम्पोर्टेंस है सोशल डेवलपमेंट. हम अपनी सोसाइटी को डेवलप करते हैं, जो सोसाइटी को डेवलप करते हैं. और कैसे डेवलप होता है, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, सिंपलिटी एंड ग्रुप यूनिटी. तो जैसे हम कोऑपरेशन, एक टीम जब खेलती है फुटबॉल की टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो अगर हर प्लेयर अपने अपने सेल्फिश होकर खेलना चालू करे तो दे कैन नॉट विन, वो विन नहीं कर सकते हैं, वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं.
तो वो एक दूसरे की टोटल 11 प्लेयर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन करते हुए सहयोग करते हुए वो गोल को विन करते हैं, अपने टारगेट को विन करते हैं। तो हमने क्या सीखा, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, टॉलरेंस, कोई भी गलती होती है या हमारे से, जैसे एक क्रिकेट मैच हो रहा है और उसमें कैच मिस हो गया, फिर भी जो 11 प्लेयर्स हैं वो तालियां बजाते हैं और उनको चेयर अप करते हैं और उसको कहते हैं बकअप बकअप, नेक्स्ट टाइम में इसको करना है। तो ये हम टॉलरेंस की क्षमता रखते हैं कि कितने भी कम से कम टाइम में हम उसको, ये रहता है हमारे अंदर कि हम इसको विन करें। फिर सिंपलिटी, कितना भी फेमस हो जाए, हम कितना भी फेमस होते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल परफॉर्म करते हैं, हमको कोई प्राउड नहीं होता, हमको कोई भी हमारे अंदर कोई घमंड नहीं आता, हम सिंपली करते हैं। ग्रुप यूनिटी, और हम हमेशा ये शो करते हैं खेलते समय।